सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी मुख्य बड़ी खबरों में स्वागत है। बहनों, हम बता दें कि बच्चों से लेकर महिलाओं तक शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाली, जानकारी पहुंचाने वाली, अहम किरदार निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ड्रेस कोड को बदला जा रहा है। जी हाँ, अब सुनने में यही आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब पीले प्रिंटेड रंग की साड़ी में नजर आएंगी। जी हाँ, जो उनका अभी तक ड्रेस कोड था वह गुलाबी ही है, मतलब कि आप गाजरे रंग की साड़ी भी बोल सकती हैं, जो कि एक गुलाबी साड़ी है जिसमें स्ट्रेट नीला, गहरा नीला कलर का बॉर्डर भी है। हालांकि साड़ी का रंग बदलने की मांग खुद कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ही पहले की थी, ना कि विभाग की तरफ से यह चीज़ बदली जा रही थी। हम पहले आपको बहनों जो वह साड़ी दिखाते हैं जो अभी लग रही है, बाद में दिखाएंगे कौन सी साड़ी बदली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गहरे स्ट्रेट बॉर्डर वाली, आप देख सकते हैं यह नीला बॉर्डर है स्ट्रेट में, यह गाजरे या फिर गुलाबी रंग की जो साड़ी है यह अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लग रही है। कल आंगनबाड़ी बहनों ने कमेंट करके भी बताया था कि सर गुलाबी रंग की ही साड़ी ठीक है, वहीं पे आधी बहनों ने यह भी बोला कि यह साड़ी का रंग बदला जाना चाहिए। तो बहनों, इस साड़ी के रंग में आपका क्या विचार है, इसको बदला जाना चाहिए या नहीं, यह आप कमेंट करके बहनों हमको ज़रूर बताइएगा। तो बहनों, सहायिका और कार्यकर्ताओं ने मांग पहले ही पूर्व में शासन से किया था, इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने ड्रेस कोड बदलने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन ने ड्रेस का रंग बदले जाने पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, मतलब मात्र इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, सिर्फ यही कारण है ड्रेस बदलने का या कुछ और भी, वह तो हम आगे देखेंगे। बदले जाने के बाद बहनों साड़ी का ड्रेस कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, जिसमें पीले रंग की जो यह साड़ी है और इसमें गहरा स्ट्रेट गोल्डन ब्राउन कलर का जो है कि बॉर्डर है। तो यह साड़ी बहनों, इस साड़ी की मांग की जा रही है। हालांकि इससे अच्छी साड़ी गुलाबी रंग वाली ही थी, क्योंकि उसमें एक एडवांटेज जरूर था बहनों कि वह धूप या धूल में गंदी नजर नहीं आएगी, जल्दी साड़ी गंदी समझ में नहीं आएगी। वहीं पीले रंग की साड़ी में छोटा सा भी दाग लग गया तो वह अलग ही दिखेगा, साड़ी गंदी भी जल्दी हो जाएगी। बाकी बदले जाने वाली साड़ी की यही मांग है कि इसी रंग की साड़ी की जाए, पीले रंग की साड़ी और यहाँ पे गोल्डन ब्राउन रंग का जो है कि इसका बॉर्डर। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपने ड्रेस कोड को बदले जाने की मांग भी की थी। उनका यह तर्क था कि अभी ड्रेस कोड गुलाबी है और यह पहनने से वह स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं। यह रहा बहनों सबसे बड़ा कारण ड्रेस कोड को बदले जाने का, कि कार्यकर्ता बहनें कह रही कि हमको यह जब ड्रेस हम पहनते हैं तो खुद में अपमानित महसूस हमको होता है, शर्म आती है यह इस रंग के ड्रेस को पहनने में, अतः इसका जो रंग है यह बदला जाए। मतलब बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से चाहती हैं कि इसका रंग बदला जाए। इसे लेकर विचार विमर्श भी किया गया, जिसके बाद विभाग ने साड़ी का रंग बदलने का निर्णय लिया है। जिला महिला बाल विकास विभाग को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं अभी से। जी हाँ, अभी से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ड्रेस में पीले रंग की प्रिंटेड साड़ी को शामिल किया गया है। अब बहनों, आप में से मध्य प्रदेश के किन जिलों में अभी भी यह पीले रंग की साड़ी अभी से मिलने लगी है या फिर बहनें पहनती हैं, तो वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन जगहों पे बहनों की अभी गुलाबी रंग की ही साड़ी है, तो वह भी कमेंट बहनों आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे तर्क यह भी था बहनों ड्रेस कोड को बदलने का, कि रंग बदलने से बदलेगा मन,
यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं, उनका यह कहना था कि गुलाबी रंग के बजाय पीले रंग की साड़ी पहनने से उनका मन भी बदलेगा, मतलब कार्यकर्ता बहनों का मन भी बदलेगा और सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिसके कारण इसका रंग बदला जाना चाहिए। बहनों, अब हम साड़ी से ही जुड़ा एक नया घोटाला भी आपको बताते चलते हैं कि 18 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब यह किस वजह से उनको अल्टीमेटम मिला है, नोटिस जारी किया गया है, यह हम देखेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की साड़ी को खरीदने के लिए जो 800-800 रुपए मिलते थे, उसको तो आपको पता ही है कि सरकार ने बढ़ा के 1500 रुपए मध्य प्रदेश में कर दिया है। लेकिन यह जो साड़ियां हैं, कर्मचारियों को खुद ही खरीदनी होती हैं जाके विभाग के द्वारा, या फिर अपने मन मर्जी की दुकानों से जहां से उनकी इच्छा हो, या फिर विभाग के द्वारा वितरण होना चाहिए। लेकिन पेटला वध में सप्लायरों के माध्यम से साड़ियां बंटवा दी गईं, मतलब कि सुपरवाइजरों के द्वारा पहले से ही अपनी दुकानें फिक्स कर दी गई थी ताकि उनको जितनी साड़ियां बिकें उनमें उनको कमीशन मिल जाए। जी हां, अपना अपना कमीशन लेके सुपरवाइजरों ने साड़ियां बंटवा दी हैं सप्लायरों के माध्यम से, जिसमें जो साड़ी 200 रुपये में मिलने वाली थी वह साड़ियाँ 300 में मिल रही हैं, 400 में मिल रही हैं, मतलब साड़ियों का जो भी रेट है उसके दो गुना रेट पे जो है कि साड़ियों को बेचा गया है। जबकि यह कार्य विभाग की तरफ से था कि बांटा जाएगा सुपरवाइजरों के माध्यम से, लेकिन सुपरवाइजरों ने दुकानदारों सप्लायरों को साड़ी भिजवा दी, अपना कमीशन लिया और बोला कि आप इसको दो गुना दाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को बेचिए। तो 200 रुपए वाली साड़ी 300-400 रुपए में बिक रही है, जिसको लेके जब खबर लगी है विभाग में तो 18 जो सुपरवाइजर हैं उस क्षेत्र में उनको अल्टीमेटम नोटिस दिया गया है, अपनी सफाई में उनको जो भी कहना हो उस हिसाब से। तो खैर बहनों, आपने देख लिया कि आखिर गुलाबी रंग की साड़ी को पीली रंग की साड़ी में बदले जाने का कारण क्या था, कि मन बदलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कार्यकर्ता बहनों का भी कहना है कि उनको शर्म महसूस होता है, वह स्वयं में अपमानित महसूस होती हैं, जिसकी वजह से यह जो रंग की साड़ी है गुलाबी, यह बदली जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यह पीले प्रिंटेड रंग की साड़ी बदले जाने के बाद यह मिलेगी कार्यकर्ता बहनों को पहनने के लिए। वहीं पे जो यह पुराने साड़ी है यह भी खराब नहीं है, यह साड़ी भी अच्छी दिख रही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। अब आधे आधे कार्यकर्ताओं के अपने मत हैं, 50% कार्यकर्ता बोल रही हैं साड़ी यही रहेगी, 50% कार्यकर्ता बहनें बोल रही हैं साड़ी को बदला जाए। तो आपके जो भी बहनों विचार हों आप कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। बहनों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहनों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की सभी खबरें समय समय पे आपको मिलती रहें। वीडियो को बहनों ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के पास यह खबरें पहुँच सकें। इसी के साथ मिलेंगे हम आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं बड़ी खबरों के साथ। बहनों, तब तक के लिए नमस्कार।